नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में राजनीतिक सियासी गलियारों में जबरदस्त शोर मचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से दिग्गज पहलवानों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, उसमें विनेश फोगाट जींद की जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि बजरंग पूनिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बजरंग पूनिया को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा हैं और बड़ी जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया के साथ साथ वोट बैंक और किसानों की तमाम जो सिंपैथी है उसको साधने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को अपने दल में शामिल करवाया है, उसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि जिस वक्त देश की गौरवान्वित बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी इन देश की बेटियों के साथ खड़ी थी। ऐसे में इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हमने पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने प्रदर्शन में मौजूद थे, जिस वक्त खिलाड़ियों ने यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह निशाना साधते हुए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि खिलाड़ियों के द्वारा उनके नाम पर किया जा रहा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचित षड्यंत्र था और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के उस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट पर जो दाव लगाया है, क्या वाकई में उनको सफलता मिल पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।